प्रगति टीचर एसोसिएशन ने कोरोना काल को देखते हुए मास्कों का वितरण किया। आगरा में प्रोग्रेसिव टीचर एसोसिएशन ने मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया। अनलॉक 5 की गाइडलाइन आने के बाद 15 अक्टूबर से स्कूल व कॉलेज खुलने की संभावना है। बच्चों के स्कूल जाना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में बच्चों में संक्रमण फैलने के कारण खतरा बहुत रहेगा, जिसको देखते हुए आगरा प्रगति टीचर एसोसिएशन ने बोधरा स्थित शांतिवन स्कूल में मास्क सैनिटाइजर का वितरण किया। अभिभावकों को बच्चों के बचाव हेतु पूर्ण संख्या में जागरूक किया। इस अवसर पर उपस्थित संस्थापक डॉक्टर सुनील उपाध्याय, अध्यक्ष मोहित दीक्षित, अंकुर जैन कार्यक्रम संयोजक, शांतिवन स्कूल के डायरेक्टर विजेंद्र शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। विनोद कुमार, आगरा, समाचार 24। मैं जयदीप पवार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबी एकेडमी, सदस्य आपका आगरा पब्लिक एसोसिएशन। जैसा कि देश के समग्र विकास के लिए अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है, वैसे ही देश के समग्र स्वास्थ्य के लिए विद्यार्थियों को स्वस्थ रहना और कोविड से बचना बहुत जरूरी है। ये अभियान अगले 2-3 महीने तक चलेगा। हर शनिवार और इतवार को भिन्न भिन्न विद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में और एजुकेशन पॉइंट्स पर हम लोग जाएंगे और अभिभावकों को और विद्यार्थियों को ये बताएंगे कि कोरोना से कैसे बचाव करा जाए। मैं सत्यवीर सिंह सिसोदिया, उपाध्यक्ष आगरा प्रोग्रेसिव टीचर एसोसिएशन। हमारे यहाँ ये सभी बच्चों को शनिवार और इतवार के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है कि अलग अलग स्कूलों में जाके बच्चों को ये सिखाया जाए कि किस तरीके से कोविड-19 वाले इस पेंडेमिक सिचुएशन में अपने आप को सेफ रखना है। इसके लिए सभी को मास्क लगाना ज़रूरी है और सैनिटाइज़र हो सके तो अपना सैनिटाइज़र अपने पास रखें, जिससे सब बार बार उससे हाथों को सैनिटाइज किया जा सके। इस महामारी से बचने के लिए बच्चे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उनको ये अभिभावकों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा या सभी जनों के द्वारा ये ज्ञान देना चाहिए, उनको ये परिचय कराना चाहिए कि किस तरीके से इस महामारी के दौर में अपने आप को बचाया जा सके। डॉक्टर सुनील उपाध्याय, आगरा प्रोग्रेसिव टीचर एसोसिएशन का संस्थापक और संयोजक। आज जैसा कि आप जानते हैं, अनलॉक 5 चालू हो गया है और अनलॉक 5 के तहत विद्यालय, स्कूल, अदर शिक्षण संस्थान खोला जा रहा है। संभावना है कि 20 अक्टूबर से आगरा में भी विद्यालय खोले जाएंगे। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा सहयोग पर को देखते हुए हम लोगों ने जब अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर अभिभावकों को बुलाना चालू किया है और उन्हें यह समझाया जा रहा है कि बच्चों को जब वो स्कूल भेजें तो बच्चों को क्या सिखाएं क्या नहीं। हमने 3 बातों पर जोर दिया है। ये 3 बातें बच्चे जरूर फॉलो करें। पहला कि बच्चों को सिखाएं 2 गज दूरी बहुत जरूरी है। दूसरा, बच्चों को मास्क कैसे लगाएं कि वो रास्ते में ना चलें, जब घर से पहने तो घर पर ही उतारें। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे इस बात पर विशेष ध्यान दें कि दूसरों से हाथ ना मिलाएं और दूसरी चीज़ों को बाहर जाते हुए टच ना करें। आज इसी के तहत हम लोग जगह जगह अभिभावकों को समझा रहे हैं। आगरा के